So hello everyone and welcome to today's class. So this is the new series that we have started. Okay, and this is the series where we are just giving you the one short video of the complete chapter. We will not discuss the questions and because we have the different series for that. Okay, we have a separate series for the questions. Okay, so I hope you're gonna like this. So let's start with this, the first chapter first, the chemical reactions and equations. So what is chemical reactions? Obviously, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हम कोई भी दो एलिमेंट्स को जब मिलाते हैं या उनको साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तभी हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आपको भी ये बात पता होता है। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होएगा तो इन दोनों में से, इन सारी चीज़ों में से चीज़ें होनी, कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका चेंज इन स्टेट हो जाए या चेंज इन कलर हो जाए या चेंज इन गैस हो जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, ये सारा कुछ अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो इन सारी चीज़ों का होना कंपलसरी हो जाता है। वो सारी चीज़ें आपको होते हुए जरूर मिलेंगी। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे केमिकल रिएक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, आप हम लोग करते ही हैं ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O और सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड, तो हम लोग Na+ Na+Cl करते हैं ना, तो NaCl बनता है। तो हम लोग ये सारा कुछ करते ही आ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये करके देने वाले हैं। उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, तो हम कैसे करते हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स को बैलेंस करते हैं, और लास्ट वीडियो हमारा आया हुआ था उसमें बहुत सारा बैलेंसिंग भी हमने करवाया है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जितने भी लेफ्ट हैंड साइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि इसको इक्विवेलेंट मास दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रहने चाहिए। तो हम रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्शंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन ओरिजिनली था CO+H2। ओके, तो व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म CH3OH, दे रिएक्ट फॉर्म CH3OH। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। एज यू कैन सी देयर इज 4 हाइड्रोजन, तो हमें भाई यहाँ पे तो हमारे पास दो ही हाइड्रोजन है, तो हम दो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो दो से मल्टीप्लाई करके इन्होंने बैलेंस कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। चलिए आगे चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमारा क्या है बच्चे, जब दो और दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं साथ में तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दैट वी कॉल्ड एज अ स्लेक्ड लाइम। ये काफ़ी फेमस हमारा रिएक्शन है, काफ़ी बार यूज होता है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में भी डिस्कस होता है। वहीं पे जब हम आगे देखते हैं, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा वाटर फॉर्म होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर फॉर्म हो गया। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शन होते हैं जो कि जब रिएक्ट करते हैं तो वो हीट इवॉल्व कराते हैं, वो एनर्जी हमें देते हैं, तो वैसे रिएक्शंस को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ फॉर्म रिएक्ट कराते हैं तो हमारा स्लेक्ड लाइम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम, जो कि ये यूज करते हैं ही हम लोग। ओके, उसके बाद हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें अलग से हीट देना होता है, तो इसमें एक्सटर्नल हीट कराने के लिए, ऐसे ये रिएक्ट ही नहीं करते, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, इनको हीट लगता है भाई, तभी जाके ये रिएक्ट करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है वो किसी भी तरीके से ब्रेक कर गया है डिफरेंट पार्ट्स में, और ऑब्वियसली जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, इनको हीट हमें देना होता है, तब जाके ये अपने अपने कॉम्पोनेंट्स में टूट जाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करता है। वहीं पे कैल्शियम
कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है, हीट करते हैं इसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वहीं सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होता है लाइट, ये एक्चुअली लाइट रिएक्शन होते हैं, ओके, तो जब लाइट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है, और ये जी सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज देखो यार, चाहे वो कैसे भी हीट लें, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो सारे के सारे एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ओके, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम वाले रिएक्टिव मेटल को लात मार के अलग कर देता है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट है, वहीं जिंक के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेता है और कॉपर रिलीज हो जाता है। वहीं साथ में अगर हम फेरस को, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जब, तो यहाँ से कॉपर और आयरन सल्फेट अलग हो जाता है, ये आपको देखने को मिल सकता है और मिलता है, आप करके देख सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी खोल के देख सकते हो। नहीं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये मतलब कि इस तरीके से है कि ये दोनों चीज़ होता है, दोनों चीज़ साथ में डिस्प्लेस होता है, ओके। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस आकर बिटवीन मोर रिएक्टिव, अगेन इसमें भी मोर रिएक्टिव एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, बट साथ में रिएक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम सल्फेट था, बैरियम क्लोराइड था, तो बैरियम सल्फेट फॉर्म हो गया, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ओके। तो गैसेस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट्स एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस, तो एक्वा सॉल्यूशन जब रहते हैं तो एक्सचेंज कर लेते हैं रिस्पेक्टिव आयंस, ओके, एंड दे ऑल्सो समटाइम फॉर्म इनसोल्युबल सॉल्ट, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले वैसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, और व्हेन द एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस एंड एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस, देन दे आर कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर द सॉल्ट एंड वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड, ओके। व्हेन द टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड डिस्प्लेस देयर आयन, ओके, इन सच मैनर वन ऑफ द प्रोडक्ट either decomposes into the gaseous compound or form the gaseous stage is called gas forming reaction. हालांकि ये NCERT में नहीं लिखा है, बट आपके लिए चलिए एक additional information आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो skip कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, gas forming reaction कहीं भी पढ़ना नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का माइनस होना, वो दोनों ही केस में हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। वहीं पे रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हम पहले बात कर लेते हैं, रिडक्शन में बात करेंगे इसके बाद, ओके। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, तो दोनों ही केस में क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ से देख सकते हो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसमें से कार्बन कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। वहीं कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर से तो हटा है, तो कॉपर रिड्यूस हुआ एक्चुअली, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। हमारे आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब हर दिन हमारे आसपास ये होता ही रहता है, हमारी चीज़ें खराब होती हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कोरोजन, एसिडिटी, एंड ये दोनों कॉमन फेनोमेना है जो कि हमारे आम जिंदगी में होते रहता है। एंड corrosion is one of it when the metal get oxidized and they corrode, and obviously will it's a loss for us, okay. When the metal oxidized by the action of air and moisture, that's why the metal get coated with a jaise copper black color ka ho jata hai, iron mein special corrosion ko naam rakha humne, that we call it as rusting, okay. तो वहीं पे रेंसिडिटी की बात करें, तो व्हेन अ फैट लाइक ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, देयर स्मेल टेस्ट चेंजेज, आपके खाना का टेस्ट खराब हो जाता है। ये बहुत कॉमन सारा चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं हमारे आम जिंदगी में, तो इसी वजह से उनको बचाने के लिए हमें टाइट कंटेनर्स या बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनको सेलिनेट करते हैं, या फिर हम लोग वेनेगर डिप करके रखते हैं, या फिर उसको शुगर सिरप में रखते हैं, या ड्राई करके रखते हैं पैक में ताकि उसमें से एयर ना लगे। तो वह सारा कुछ हम लोग ऐसा करते रहते हैं सो दैट हम खाना को प्रिजर्व कर सकें। फ्रीज में रखना भी एक तरीके के हमको उसके माइक्रोब्स को ग्रो करने से हम बचाते हैं, ओके। रिडक्शन क्या है कि या तो ऑक्सीजन इसमें से माइनस हो जाए या हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाए, तो दोनों ही केस में हम इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हटा है तो कॉपर रिड्यूस हुआ है, वहीं पे हाइड्रोजन में जुड़ा है तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, रिडक्शन ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड। अब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं
कि दोनों ही साथ में होता है रिडक्शन, उसको वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ देख सकते हो कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। एक्चुअली में ये तीनों में ही हमने सेम एग्जांपल यूज किया है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है, बिल्कुल से 10 मिनट में हमने पूरा सेशन को ख़त्म किया है, और आई गेस 10 मिनट में हमने इतने इन्फॉर्मेशन को दिया है ताकि आपके बेसिक्स को हम पॉइंट आउट कर सकें। और 10 मिनट में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं हम लोग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।